हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई और इसके बाद आई बारी सभी टीवी चैनल्स और एजेंसियों के एग्जिट पोल्स की। सभी एग्जिट पोल में एक ही समान जो बात नजर आई वो ये कि कांग्रेस इस बार प्रदेश में 10 साल के बाद वापसी करने जा रही है, वो भी बम्पर वापसी। बीजेपी की करारी हार के संकेत एग्जिट पोल्स में मिल रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी 0 सीट पर सिमट सकती है। हालांकि पूरी तस्वीर 8 अक्टूबर को मतगणना के दिन साफ हो जाएगी। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी से जूझना पड़ा। एग्जिट पोल में एक दूसरी चीज जो साफ नजर आ रही है वो ये कि क्षेत्रीय दलों का बेहतर प्रदर्शन रहेगा। इनेलो और बसपा गठबंधन को कुछ सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा जेजेपी और आजाद पार्टी के गठबंधन को भी कुछ सीटें मिलने की उम्मीद है। ये सभी एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि प्रदेश में बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी से जूझना पड़ा है। सभी राजनीतिक दल ने अपना अपना दावा भी जताया है कि जीतेंगे हम ही। हरियाणा के 131 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में तो कैद हो चुकी है, अब 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि किसकी किस्मत चमकी और किसकी फूटी। वैसे एग्जिट पोल के बाद सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और अब ये देखना रोचक होगा कि कहीं कोई छोटी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में तो नहीं आ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। हालांकि इस बार प्रदेश में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच में रहा। किसके एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें मिली हैं, आइए वो भी आपको बताते हैं। ध्रुव रिसर्च एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में इस बार बीजेपी को करारा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एजेंसी ने बीजेपी को 27 सीटें दी हैं और कांग्रेस को 57 सीटें, जबकि अन्य को 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। एक और पोल की बात करते हैं, पीपल पल्स के मुताबिक बीजेपी को 20 से 32 तो कांग्रेस को 49 से 61 सीट आती दिख रही हैं और जेजेपी गठबंधन को 1, इनेलो को 2 से 3 और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। रिपब्लिक पी मार्क के सर्वे के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी सत्ता से बाहर होती नजर आ रही है। एजेंसी ने बीजेपी को 27 से 37, कांग्रेस को 51 से 61 तो अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। एक और पोल की बात करते हैं, पोल स्ट्रैटेजी के मुताबिक भी बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है। एजेंसी ने केवल 23 से 33 सीट की उनके खाते में आने का अनुमान जताया है। वहीं कांग्रेस को 53 से 63 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाती दिख रही हैं। जिस्ट टीआईएफ रिसर्च के मुताबिक भी कांग्रेस हरियाणा में वापसी करती हुई दिख रही है। एजेंसी ने पार्टी को 45 से 53 सीटें मिलने का अनुमान जताया है और बीजेपी को 29 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है। साथ ही इनेलो को 0 से 2 सीट और अन्य के खाते में 4 से 6 सीटें जाने का अनुमान जताया है। आज तक सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए दिख रही है। एजेंसी ने पार्टी के खाते में 50 से 58 सीटें दिखाई हैं और बीजेपी के पास 20 से 28 सीटें और जजपा गठबंधन को 0 से 2 और अन्य के खाते में 10 से 14 सीटें आती हुई दिखाई जा रही हैं। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी को 23 सीटें, कांग्रेस को 59 और जजपा को 0, इनेलो गठबंधन को 2 और अन्य को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। रिपब्लिक मैट्रिक्स के पोल में भी कांग्रेस को बढ़त है। रिपब्लिक मैट्रिक्स के मुताबिक बीजेपी को 18 से 24, कांग्रेस को 55 से 62 तो अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।